नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। मैं आशा सुल्तान, और आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। क्या हालात के मद्देनजर आर्मी की भी मदद मांगी है दिल्ली सरकार ने? हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। मनीष जी, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है दिल्ली में, क्योंकि बीते समय में कितना मिल जा रहा है कोटे का? कल अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में, जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए, और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने हैं, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है।